दुकान से घर, घर से दुकान, सुबह से व्लॉग शूट नहीं करा फिर दुकान पे आ गए। बताओ क्या किया जाए, क्या किया जाए। जी दिल्ली वालों खोल गया लॉकडाउन है, मजा जी दिल्ली वाले आने का, लॉकडाउन खोल गया है क्या दिल्ली में, आज से लॉकडाउन खोल गया है। कई जगह से मेरे को पता लग रहा है कि मेट्रो में ऐसी भीड़ हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की मास्क और सिस्टम मगर सिस्टम, और सड़कों पे ऐसी भीड़ है कि मतलब इतने दिनों के बाद लोग बाहर निकले हैं तो जाम लग चुका है कई सड़कों पर, कई ट्रक रोड ब्लॉक हो चुकी है, मतलब ऐसे बाहर निकले जैसे दिल्ली में अब लग रहा है गया दिल्ली में रह रहे हैं, बहुत जाम है, बहुत भीड़ है, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी लॉकडाउन खुल चुका है, सबको अपने अपने काम करने में जाना है, क्या कर सकते हैं। हाँ जी तो बस यही है जी दिल्ली की कहानी, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सत श्री अकाल, स्वागत है तुम्हारा सारे आदा जी, वीर सिंह तो तस्वीर, उम्मीद करते हैं तुम बहुत वधिया होंगे और सिंह बहुत वधिया, कृपा है गुरु महाराज की। सब अपने अपने काम धंधे पे जा रहे हैं, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी कम हो चुका है, कोरोना के केसेस भी कम आ रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अभी हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि कम से कम ध्यान रखें। कई दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे, आप देख रहे हो इस बार पिछले हफ्ते वीडियोस बहुत कम शूट किए मैंने, ब्लॉग्स नहीं बनाए, तबीयत ठीक नहीं भी नहीं कर रहा था। ये बताओ लॉकडाउन खुल गया, सड़क पे ट्रैफिक इतना हो गया, वो तो कल से ट्रैफिक हो गया था यार, कल शाम से ना, हाँ इतना ट्रैफिक निकला जब तक हम गए रात में। कल मैं गया था तिलक नगर, वापसी आते हुए देख रहा हूँ, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो रिहर्सल नहीं करते लोग कि भाई कल से हमने सड़क पे घूमना है, वही हाल हो रखा था। बिल्कुल, झाड़ू ये सफाई के लिए बांध रहे या अपनी पिटाई के लिए, अपनी हो जाए किसी पड़ोसी की हो जाए, भाई पड़ोसी की तो पड़ोसी बांधेगा ना, फिर बदतमीजी करे सड़क पे गुंडागर्दी से दिखाए, ये मैंने कहा सफाई के लिए बांध रहे हो क्या पिटाई के लिए, झाड़े तो नया काम शुरू कर दिया। हाँ। हमने टाइलों के नीचे जितना भी सोना गाड़ा था और पैसे दबाए थे, हाँ। वो सब खत्म हो गए लॉकडाउन में, तो अब ये देखो अब तुम्हें दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है, पहले ट्रेनिंग है अब एक हफ्ते की, एक हफ्ते पहले काम करके दिखाओ कि किस तरीके से, भूल तो नहीं गए कहीं, फिर आप सिखाओगे, अगर कहीं गलत करोगे तो मम्मी बताएगी कैसे करना है, खुद नहीं बताएगा कि भी कैसे करना है, खुद बताओ कैसे करना है, मम्मी को पता तो मम्मी खुद ही ना करेगी। देखो अगर अच्छा काम करोगे, काम करने के लिए अच्छा काम करोगे तो देखो आपको बहुत विदेशों से भी ऑफर आएंगे, फिर कितने हो सकता है कोई कनाडा में भी बुला ले, सब ये वीडियो देखेंगे ना, तो अच्छा काम करोगे तो कनाडा में भी हो सकता है कोई बुला ले, कहाँ तो सुबह कनाडा की स्पेलिंग बताओ पहले, सुबह कनाडा जाना शाम को हमारे यहाँ कर देना, अच्छा ये सब सामान कंपनी देती है क्या एम्प्लॉई को, दुकान से घर, घर से दुकान, सुबह से व्लॉग शूट नहीं करा फिर दुकान पे आ गए, बताओ क्या किया जाए, क्या किया जाए, मतलब वही हाल है यहाँ भी, वही हाल है यहाँ भी, वही हाल है, लॉकडाउन खुल गया और ऐसा लग रहा है कि अब लॉकडाउन लगा, देखना बिल्कुल सन्नाटा सा एकदम, कोई नजर ही नहीं आ रहा। टाइम कितने बजे का, 9 बजे भाई साहब, एसेंशियल का 9 बजे का तो मतलब ये जब ये डेयरी बंद होती है तो भाई साहब तो दही बेचते हो पार्ट टाइम पे, भैया करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है पापी पेट का सवाल है, भरने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ता है, जिधर हमारी बंद होगी तुम ब्रेड भी रख दोगे बाहर, नहीं पानी की बोतल पानी की। एक तो लॉकडाउन खुल गया, ऊपर से पिछले हफ्ते मैंने ब्लॉगिंग बड़ी कम की है, बहुत ज्यादा ब्लॉगिंग कम की है लास्ट वीक, तो इतना असर पड़ जाता है, मतलब ब्लॉगिंग अगर एक बार छूट जाए आपका किसी भी चीज़ का, अगर आपका रूटीन छूट जाए तो बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है उस पर, अभी समझ नहीं आ रही क्या कंटेंट बनाया जाए, क्या किया जाए, कुछ नहीं समझ आ रहा,
और दूसरी चीज ये है कि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स डाल रहा हूँ, वो जाकर देखो, ये इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, प्लीज फॉलो कर लो दोनों आईडी पे। और एक और मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ और अपने फेसबुक के पर्सनल अकाउंट पे भी बहुत सारी रील्स डाल रहा हूँ, फॉलो कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। भैया देखो, वीडियोस अगर पसंद आती है तो इनको लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमारी ये जो फैमिली है 300 सब्सक्राइबर की हो जाए। अभी तक मेरे ख्याल से 230 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, 70 सब्सक्राइबर्स और चाहिए इस महीने के अंदर, जून टिल लास्ट 30th ऑफ जून हमें ये कंप्लीट करने हैं 300 सब्सक्राइबर। आप सबका सपोर्ट और प्यार चाहिए, बस धड़ाधड़ पेल दो, लाइक पेल दो, कर दो यार। मतलब देखो, अगर किसी चीज़ को आप, अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ, अगर आप आगे से सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो फिर ये मेरे को यहाँ पे ख़त्म करनी पड़ेगी। मेरा मतलब मेरा भी मन नहीं करेगा कि भाई क्या शूट करूँ क्या ना करूँ, वही चीज़ है, थोड़ा सा मन ऐसे ही हो जाता। भैया भर भर के लाइक कर दो, भर भर के शेयर कर दो, पेलते रहो पेलते रहो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, और बहुत मस्त मस्त देखो रील्स अपलोड कर रहा हूँ, ये देखो दिख रही है। कर दो भैया कर, डिजिटल जमाना आ गया भैया अपने परिवार से बात करने का। ये देखो यहाँ मैडम ने सेल्फी स्टिक को ट्राईपॉड बना रखा है, और ये भाई इनके और फादर, और ये खुद सही है भैया, डिजिटल इंडिया सही है। जब भी मैंगो शेक बनता तो ये बताना कौन कौन लोग उसमें रोज डालते हैं, भाई हम तो डालते हैं, बहुत मजा आता है, एक तो मीठा बैलेंस हो जाता है, मस्त हो जाता है, चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ऊपर से देखो क्या मस्त खाना है, देखो क्या मस्त मैंगो शेक बना है, इसमें रोजा भी डाला हुआ, कलर इसकी इसका ऐसा आ रहा है, अरे हो जा फोकस ये। जी एक बार फिर से अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते हुए हमें बड़े दुख के साथ ये आपको बताना पड़ रहा है कि कल हमने फिर से एंडिंग नहीं करी, ठीक बा बिना एंडिंग के आज फिर से दोबारा इसको स्टार्ट किया जा रहा है, यहीं पे हम करते हैं कल की वीडियो का एंड। और सर सब्सक्राइबर कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग करवा दोगे, मैं कहा तो लॉकडाउन खुल चुका, हो सकता है कि ट्रैवल वीडियोस भी आ जाए। भैया लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो फटाफट, इस महीने का टारगेट 300 सब्सक्राइबर का है, धड़ाधड़ पेलते रहो पेलते रहो पेलते रहो। ठीक है जी, मिलते हैं नए व्लॉग में नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।